मुझे आप अफसाना निगार की हैसियत से जानते हैं और अदालतें एक फोहश निगार की हैसियत से। हकूमत कभी मुझे कम्युनिस्ट कहती है और कभी मुल्क का बहुत बड़ा अदीब, कभी तो मेरे लिए रोजी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो कभी खोल दिए जाते हैं। मैं पहले भी सोचता था और अब भी सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेरा मुकाम क्या है, क्या मसरफ है? आखिर मुसम्मी सादत हसन मंटो है कौन? सादत हसन मंटो? मैं नहीं जानती। मंटो पार्क का सुना है, लाहौर में यादगार। सादत हसन मंटो फहश निगार था, उसका कलम नंगे अदब था, उसके किरदार फहाशी पर मबनी थे। सादत हसन मंटो? पता नहीं जी, साडे ते बहुत कुछ लिखिया ने। इस बाजार की औरत हले भी उंजी विकदी पई है। सादत हसन मंटो एक बेरहम हकीकत निगार है और इंसानी जिंदगी के गहरे निबास। मंटो में एक वक्त में काफिर और मोमिन दोनों नजर आते हैं। बड़े पैशनेट, वेरी अफेक्शनेट, बहुत ही प्यार करने वाले थे सबके साथ। हमारी एज की यहाँ पर और गरीब बच्चियाँ भी होती थी जो कि जब हम स्कूल से वापस आना उन्होंने भी होना हमारे साथ आते थे, तो आती होती थी कई, तो उनको भी बुला के उनको जो भी हमारे लिए तैयार किया होता था, जैसे कि अनार के बीज निकाल के रखे हुए हैं तो वो भी सब उनको भी देने, हमें भी देने, जो भी कुछ होता था वो उनको भी देते थे। प्यार बहुत करते थे सबसे। शोहरत मिली है वो तो उनकी अलहदा है ना, बट जो मेरे जहन में बात आती है उनके लिए वो ये है कि बड़े अनफॉर्चुनेट थे कि उन्होंने हमें बड़े होते हुए नहीं देखा, ना हमें कॉलेज जाते देखा, ना हमारे बच्चे देखे, ना हमारी शादी देखी उन्होंने। मुसव्वर के लिए हर हफ्ते 5-6 सफ़ों के मजामीन लिखना और फिर दिल्ली, लाहौर, लखनऊ रेडियो स्टेशनों को गाहे गाहे ड्रामे भेजते रहना ताकि आमदन का तसलसल कायम रहे। अब आप गौर फरमाइए कि मेरी दिमागी हालत कैसी होगी। सही अर्ज़ करता हूँ कि पिछले दिनों जब काम ज़्यादा था तो निवाला उठाते वक्त ये महसूस होता था कि अभी इसको कागज़ पर घिसाना शुरू कर दूँगा। अरे मंटो साहब, हम क्या नहीं चाहता है, तुम अमृतसर का है, कश्मीरी हो, अखबार में काम करता है। वो बिस्मिल्ला होटल वाले का 10 रुपया 15 आने देना है तूने, इसीलिए तुम उधर से जाता नहीं है मंटो साहब। अक्सर ये होता था कि हम वहां पे जो थड़े होते हैं लक्ष्मी मेंशन के वहां बैठे होते थे, जरा रात जब ढल जाती मंटो साहब आते थे। मंटो साहब के बारे में कहा जाता है कि भाई 25 रुपए उनको एक अफसाने के मिलते थे, 10 रुपए से वो एक खास मशरूब खरीदते थे, 5 रुपए टांगे वाले को देते थे, सालम टांगा लेते थे, अदरवाइज वो ठन्नी में भी आ सकते थे लेकिन पिछली नशिस्त पर बैठे होते थे हमेशा, और 10 रुपए आपस रुपया को देते थे। ये नॉर्मल रूटीन उन जमानों की, और कभी वो एब्यूसिव नहीं हुए। कभी जो होता है ना कि एक खास खुमार का जो रेफरेंस होता है, हमने तो उनमें नहीं पाया, मतलब हम बच्चे थे, इसके बावजूद उनसे हमारी दोस्ती रही, रगबत रही, और वो हमेशा थोड़ा सा जब हमें उनको सहारे की ज़रूरत तो नहीं होती थी, हम ऐसे ही उनको सहारा देते थे कि चलिए हम आपको छोड़ आते, तो हमेशा वो कहते थे कि मुस्तनसर बड़ा अच्छा बच्चा। कहते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो हमारी नानी ने आके कहा था अब्बा जान को कि लै वे सादत दूसरी ती हुई है,
तो अब्बा जान इस तरह देख के ना कहते हैं कि खाला जान साढ़े घर हुई है तो तुम तू की हो रहा कि भी मतलब दूसरी धी हुई है। तो नानी मेरी फिर चुप हो गई। फिर जब तीसरी आई तो नानी हमारी चुप थी, तो अब्बा जान ने जाकर उनको कहा खाला जान क्यों जी ऐत की बारी तुम कुछ नहीं किया। तो कहने के तू पिछली दफा नाराज जो हो गया से इस वास्ते मैं क्या मैं तेन कुछ नहीं कहना। कहते नहीं खाला जान ऐत की बारी कुछ मैंने लगता ज्यादती हुई है। मैंने कहा मंटो साहब ये जो आप पीते हैं हर वक्त पी रहे हैं हर वक्त पी रहे हैं तो आपको कोई लिहाज नहीं अपनी बेगम और आपकी नहीं अपनी बेटियों का, बेटा तो है नहीं आपके बेटियां बेटियां। कहने लगे हेमंतदेव कासमी मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है अपने जमीर की मस्जिद का पेश इमाम मुकर्रर ने किया। मैं समझता हूं उनसे बड़ा नबाज कोई नहीं था जो बहुत ही आसानी के साथ एक बड़े दुख को एक बड़े अलमिये को कहानी के क्राफ्ट में ला सकता था। मिंटो साहब को जो एक प्रैक्टिस थी या एक जिंदगी के एक नुक्ते से दायरा बनाने की जो उनमें अहलियत थी वो शायद किसी अफसाना निगार को नसीब नहीं हुई। मंटो बिलाशुबा एक अजीम अफसाना निगार थे। अगर आलम अदब में उर्दू अदब का कोई भी अफसाना निगार कोई मकाम हासिल कर सकता है तो वो मंटो हैं। उन्होंने ये ज़रूर है कि इतने बहुत से अफसाने लिखे कि जिनमें काफ़ी अफसाने ऐसे भी थे कि जो मेयारी नहीं थे जो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके जो अजीम अफसाने हैं वो मेरे ख़्याल में दुनिया के किसी भी अदब के किसी भी शाहकार के मुकाबले में रखे जा सकते हैं। शॉर्ट स्टोरी जिस जमालियाती कुल को बनाने के लिए पैदा हुई थी मंटो के यहाँ वो जमालियाती कुल बगैर किसी जोड़ के मुकम्मल होता है। कोशिश की है कि इंसानी ज़िंदगी के वो पहलू जो कि हमारा हिस्सा हैं लेकिन बावजूद उन्हें हम उन पर जिक्र कम करते हैं गुफ्तगू कम करते हैं उन्होंने उनको भी सरफस पे लाए। मेरी तहरीरें आपको कड़वी और कसेली तो लगती होंगी मगर जो मिठास आपको आज पेश की जा रही है इससे इंसानियत को क्या फायदा हुआ है। नीम के पत्ते कड़वे सही मगर खून तो साफ करते हैं। देखिए हमारे यहाँ अपने गिरेबान में झांकना और मुआशरे के अंदर मौजूद जो गलाजत है उससे दरगुजर करना या उससे चश्मपोशी करना ये एक रवाज सा बना हुआ था और इसको कहा जाता था कि आला अखलाक इसकी इजाज़त नहीं देते। अब हम देखते हैं कि दुनिया में एक रियलिज्म का एक दौर आया है जिसमें हम कहते हैं कि जो चीज़ें जिस तरह से हैं उस तरह से उनको देखा और दिखाया जाए और मंटो साहब जो हैं वो इस जो तहरीक है इसके बानियों में से थे इसलिए उन पर ज़रूरत से कह लीजिए या बाकियों से ज़्यादा इल्ज़ाम लगे। सोसाइटी अगर ग्रूम ना हो सोसाइटी एजुकेटेड ना हो तो वो किसी भी बात पे रिएक्ट कर सकती है और यही हुआ कि सोसाइटी की सतह वो नहीं थी या सोसाइटी में कुछ लोग उस सतह पर सोसाइटी के मर्ज को देखना नहीं चाहते थे। जो कुछ मंटो साहब ने लिखा वो सोसाइटी की डिजीज है सोसाइटी का मर्ज है। उस मर्ज को एक अफसाना निगार देख सकता है स्टडी कर सकता है
इसलिए आज वो अफसाने आप देखें कि उन पे कोई इल्जाम नहीं, वो पढ़े जाते हैं और वो आपके अंदर एक इस सोसाइटी के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। वो कोई फहाशी, कोई उस तरह का जज्बा पैदा नहीं करते। मंटो साहब ने जो कुछ लिखा वो टोटल रिक्वायरमेंट थी उस अफसाने की, उन्होंने जानबूझ के उसमें ऐड नहीं किया। अच्छा, अब अगेन वो एक लंबी बहस है कि फांसी क्या है, कि फांसी तब होती है जब आप उसमें से लुत्फ उठाना शुरू कर दें, हज उठाना शुरू कर दें। जबकि मौलाना हसरत मोहानी जैसा शख्स, उसने इस ज़मन में ये बयान दिया कि अगर हज उठाया भी जाता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है। जिन अफसानों पर उन पर फहाशी का मुकदमा कायम किया गया था वो हरगिज़ पोश नहीं है। वो मंटो ने इंसानों के लिए जो इंतहाई नाकाबिले कबूल सिचुएशंस हो सकती हैं, उन सिचुएशंस में इंसानियत के मानी पैदा करके दिखाए हैं। यानी आप ज़रा गौर फरमाइए कि इंसानों के जो एक्ट्स, इंसानों के जो जज्बात, उसके हैवानी वजूद का इजहार समझे जाते हैं, उनमें मंटो ने आला दर्जे की इंसानियत और इंसानी मानी एक्सप्रेस करके दिखा दिए हैं। और मंटो का बनाया हुआ कोई सो कॉल्ड फोश मंज़र मुझ तक मुंतकिल होते हुए मेरी अपनी किसी हकीकत का नज़ारा बन जाता है। ये जी बात है कि उनके जिन अफसानों पे मुकदमे चले, मसलन काली शलवार, खोल दो, ठंडा गोश्त, बू, हतक वगैरह, ये उनके सबसे आला अफसाने हैं और जमालियाती जो एक मेयार है उस पर पूरे उतरते हैं। और इसीलिए वो ना सिर्फ अभी ज़िंदा हैं बल्कि मंटो पहचाना उन्हीं अफसानों से जाता है और मंटो की अजमत उन्हीं अफसानों में है। मम्मी, ठंडा गोश्त का ईशर सिंह, मोहम्मद भाई, बाबू गोपीनाथ, सब इस मुआशरे के किरदार हैं। एतराज लगाना है तो मुआशरे पर लगाइए। आपका ये मुआशरा ठीक हो जाता तो मेरा टेटुआ का कुत्ता आज मुल्क की शुमाल मगरबी सरहदों पर ना पाया जाता। जितने किरदार जो हैं वो मंटो के लोगों के दिलों पर नक्श हैं, किसी और अफसाना निगार के नहीं हैं। आप देखें, हतक की सौगंधी हो चाहे, या मोज़ेल हो, या टोबा टेक सिंह का सरदार साहब हों, उन्होंने उन किरदारों को इस तरह से लिखा है कि उससे बेहतर उनकी कोई शक्ल हमारी समझ में नहीं आती। अरे क्या सुसरी की तरह पड़ी है, ऐसे कैसे धंधा चलेगा। चलो ना, उठ, शाबाश, आजा। वैश्या की जिंदगी क्यों नहीं बयान कर सकते, उसे तो फरिश्तों और उनके फूलों की जरूरत नहीं होती। वो अगर मरती है तो दूसरे मोहल्ले से कोई जनाजा उसकी मौत का साथ नहीं देता, कोई कब्र उसकी कब्र से मिलने की ख्वाहिश नहीं करती। वैश्या का मकान खुद एक जनाजा है जो समाज अपने कंधों पर उठाए हुए है। वो जनाजे को जब तक दफन नहीं करेगा उसके मुतालिक बातें तो होती रहेंगी। मंटो को आम घरेलू औरत, पतिव्रता शरीफ औरत पसंद नहीं है, इसलिए कि शरीफ औरत सपाट किस्म की चीज़ है। एक सीधा रास्ता है, उस पर आँखें बंद किए आप चले जाएं, कोई मोड़ नहीं, कोई सरप्राइज़ नहीं, कोई अचंबा नहीं, कहीं को खाई नहीं, कहीं को गड़ा नहीं। बुरी औरत जो होती है ना वो एबनॉर्मल होती है, जलेबी की तरह आप समझे, उसमें आपको मीठा भी मिलेगा और जलेबी की तरह उसमें आपको बल भी नजर आएंगे। तो मंटो ने जलेबी औरतों को तलाश करने की कोशिश की। छोड़, मेरा तो तुझे पता ही है, स्टोरियां तो मैं किसी की नहीं सुनती। तीन चार बार टाइम लगाती हूँ, बाद में कोई शहजादा भी आ जाए तो हाथ नहीं लगाने देती। टाइम नहीं है कांता के पास, हम सांपों की औलाद हैं जो पलके ही ना झपक सके।
हमें नींद नहीं आती क्या? सौगंधी का जो किरदार है वो एक अजीबोगरीब किरदार बन के आता है, इन मानी में कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि तवायफ की भी अना हो सकती है, उसमें भी खुदी हो सकती है। वो तवायफ जो उस वक्त गालबन 2 रुपए की बात थी, जो 2 रुपए के वज सब कुछ करने को तैयार है, वो भी अगर मुस्तरद कर दी जाती है तो तवायफ मुस्तरद नहीं होती बल्कि उसके अंदर की औरत मुस्तरद होती है। इधर देखो ये छोकरी ला। मंटो साहब उन अवलीन लोगों में से हैं जिन्होंने औरत को कमोडिटी की बजाय एक किरदार, एक जिंदा वजूद समझा और उसको भी वो हकूक दिए जो कि मर्दों को हासिल थे। वो भी उसी तरह सोचती थी, रिएक्ट करती थी या किसी चीज पर अपने रद्द अमल का इजहार करती थी जिस तरह मर्द करते हैं। मां रहती है तेरी इस खोली में, जो 50 रुपए तेरे हाथ में थमा के तेरा माथा चूमेगी। भिख मंगे दूर हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा। खबरदार जो इसको हाथ लगाया। लोग आजादी हासिल करने की खुशी में मगन थे। ये आजादी थी क्या, क्यों कर हासिल हुई और आजाद होकर इनकी जिंदगी में तब्दीली क्या हुई, इसके मुतालिक कोई भी नहीं सोचता था। पाकिस्तान और भारत दोनों आजाद मुल्क करार दे दिए गए थे। कत्ल और आग की वारदातें बाकायदा जारी थी। समझ नहीं आता था कि कहां हिंदुस्तान खत्म होता है और कहां पाकिस्तान शुरू होता है, और वो लहू किसका है जो हर रोज इतनी बेदर्दी से बहाया जा रहा है। वो हड्डियां कहां जलाई या दफन की जाएंगी जिन पर से मजहब का गोश्त पोस्त चीले और गिद्ध नोच नोच कर खा गए थे। उस वक्त का फिक्शन एक आवाज के साथ सामने आया और वो आवाज सेकुलर आवाज थी। वो ये थी कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि एक इंसान का कत्ल हो रहा है, जिसमें मिंटो साहब ने यहाँ के रहने वालों को इस तरह से देखा कि जिनके बीच दीवारें नहीं है, जिनके बीच फासले नहीं है, तो एक रात में एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि जमाना नाकाबले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीरों में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निजाम का नुक्स है। ये मेरा खास अंदाज, मेरा खास तर्ज है जिसे फौश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत है सादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती।